ग्रैनी ग्रैनी ग्रैनी, ये बुढ़ऊ आवारा गर्दी करने के लिए बाहर गया हुआ है। बाहर से खाकर आएगा या घर पर खाएगा, ग्रैनी से पूछना था। लेकिन ग्रैनी मिले तो ना। ग्रैनी ग्रैनी, अरे वाह, स्पेशल डे 11 अगस्त को है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। ओ गॉड, अनुपमा का टाइम हो गया, आज तो उसमें बड़ा तगड़ा सस्पेंस आने वाला है। ये 11 तारीख को क्या है? ना ही ग्रैनी का बर्थडे है, ना ही बुढ़ो का बर्थडे है, और फैमिली में भी किसी का बर्थडे नहीं है, और ना ही ग्रैनी और ग्रैंडपा की एनिवर्सरी है। मेरा बर्थडे भी 29 अगस्त को आ रहा है, तो ये 11 तारीख को क्या है? ग्रैनी ग्रैनी, क्या सच में? तब तो बहुत मजा आ जाएगा, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी आना। ग्रैनी बिटवा, तू ये छुरा लेके क्यों घूम रहा है? तू मेरी हत्या करना चाहता है क्या? अरे ग्रैनी, मैं आपको मारने थोड़ी आया हूँ, मैं तो किचन में प्याज काट रहा था। हाश, पर तू मुझे ढूंढ क्यों रहा था? वो सब छोड़ो ग्रैनी, ये बताओ 11 अगस्त को क्या है? 11 अगस्त को है रक्षाबंधन। क्या रक्षाबंधन? हाँ बिटवा, इस बार रक्षाबंधन पे मेरा भाई डब्लू घर आ रहा है। वाह ग्रैनी, आपके भाई आ रहे हैं। बिटवा, मैं कई सालों बाद अपने भाई को राखी बांधूंगी। मेरा भाई डब्लू विदेश में रहता है, उससे मिलके बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। ग्रैनी, इस बार रक्षाबंधन में तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बिटवा, खूब जमेगा रंग जब भाई बहन होंगे संग। हैप्पी रक्षाबंधन। इस बार होगा ग्रैनी का रक्षाबंधन। बिटवा, मेरा भाई डब्लू आ रहा है ना, तो हमें घर की चकाचक सफाई करनी है, समझ गया ना? हाँ ग्रैनी। और खाने में उसकी पसंद की एक से बढ़ के एक चीजें बनानी है, जिससे वो एकदम खुशम खुश हो जाए। तो आपने बिल्कुल सही कहा। चल मैं बाहर जाकर आती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? डब्लू मामा खाने पीने का बहुत शौकीन है, उसे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो उसकी पसंद की मिठाइयाँ लेने जा रही हूँ। पगला जाएगा इतनी सारी मिठाइयाँ देख के। ग्रैनी क्या बात है। बिटवा, तेरे ग्रैंडपा डब्लू मामा के लिए मैं नए कुर्ते लेने जा रही हूँ, और मैंने अपना जोड़ा गणेश ग्लोत्रा को रेडी करने के लिए कहा है, बस टाइम पे दे दे करम जला। और साथ में मैंने ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट भी ले ली है, मुझे एकदम रापचक दिनचक जो दिखना है। मैं भी चलूं? नहीं बिटवा, तू घर पे ही रहे और मेरी सारी बहनों को फोन कर दे कि रक्षाबंधन पे डब्लू घर आ रहा है, तो वो राखी बांधे यही आ जाए। थका आ रहा है, कहाँ कहाँ जाएगा बेचारा, समझ गया ना? ठीक है ग्रैनी, मैं उन्हें फोन कर दूंगा। चल मैं टाइम पे निकलती हूँ, जा जा। बाय लागू रिच ग्रैनी। जीता है बेटू, कैसा है? वो क्या है कि डब्लू मामा इतने सालों बाद यहाँ पर आ रहे हैं रक्षाबंधन पे। क्या डब्लू आ रहा है? हाँ, तो ग्रैनी चाहती है कि सारी बहनें हमारे घर पर आए रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए। डब्लू की मैं फेवरेट सिस्टर हूँ और वो तेरी ग्रैनी के घर आया है, दैट्स नॉट फेयर। उसको यहाँ आना होगा, मैं वहाँ नहीं आने वाली। सारी बहनों को बोल वो मेरे घर आए रक्षाबंधन मनाने। अरे क्या बारबी ग्रैनी, आप भी, आपको तो पता है ना डब्लू मामा विदेश से आ रहे हैं, एकदम मस्त मस्त गिफ्ट लेकर आएंगे। सबसे अच्छा वाला गिफ्ट आपकी कोई और बहन उड़ाकर ले गई, तो आपके हाथ सबसे फालतू गिफ्ट लगेगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ठीक है मैं वहाँ जरूर आऊंगी। आफ्टर ऑल गिफ्ट का मामला है यार, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है, बाय बाय। ये रिच ग्रैनी और बारबी ग्रैनी भी ना गिफ्ट का नाम सुनते ही तुरंत रेडी हो गई यहाँ पे आने के लिए। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, आज बड़े प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। मगरू भाई, विदेश से डब्लू मामा आ रहे हैं ग्रैनी से राखी बनवाने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे मगरू भाई, आपके रक्षाबंधन पे क्या प्लान्स हैं? भैया जी, हमारी 7 बहनें हैं, हम अपने 7 बहनों से राखी बनवाने जा रहा हूँ। अभी हमें अपने बहनों के लिए गिफ्ट भी लेने जाना है। वाह 7 बहनें? हाँ भैया जी। वैसे आपको कौन राखी बांधने आ रहा है? राखी? मगरू भाई, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। ओहो, मगरू भाई की तो 7 बहनें हैं। काश
मेरी भी कोई बहन होती। Oh no! चलता हूँ भैया जी, शॉपिंग करने जाना है। ओके मगर भाई, अपना ख्याल रखिएगा। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। ग्रैनी आप आ गए? अरे मैं तो थक गई भाई साहब। ले बिटवा ये मिठाइयाँ पकड़। अरे वाह, इतनी सारी मिठाई। ये तो कुछ भी नहीं, गाड़ी में और मिठाई के डब्बे भी पड़े हैं। जा जाकर उन्हें ले आ। क्या बात है, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। ग्रैनी मैं एक आध खा लूँ? बिल्कुल नहीं, इनकी तरफ देखना भी मत। क्या बात है, पूरे घर से तो मिठाई की बड़ी तगड़ी खुशबू आ रही है। बाबू तुम्हारा साला डब्लू रक्षाबंधन पे घर आ रहा है। क्या डब्लू आ रहा है? अरे वाह, इसी खुशी में एक मिठाई का डब्बा मेरे हवाले कर दो। तुम दोनों मिठाइयों के डब्बों को छूना भी मत। अगर एक भी मिठाई गायब हुई ना तो मैं तुम दोनों के सर फोड़ दूंगी। मेरी तरफ से निश्चित रहो, ग्रैंडपा का मुझे पता नहीं। क्या जाना तुम भी। स्वीटी तुम डब्लू को बोलो कि वो विदेश से हमारे लिए आईफोन लेकर आए, वहाँ पर आईफोन बहुत सस्ते मिलते हैं। हाँ ग्रैनी, मेरे लिए भी एक मंगा देना। और उसे बोलना कि वो मेरे लिए लिटल लिटल भी लेकर आए, वहाँ पर एक से बढ़कर एक ब्रांड्स मिलते हैं। चुप कर बुढ़ो, मेरा भाई इतने सालों बाद बाहर जा रहा है, अगर मैं उसे सामान मंगवाऊंगी तो क्या इज्जत आ जाएगी मेरी। साले साहब इतने सालों बाद आ रहे हैं, उनपे पुराना हिसाब किताब बाकी है। पुराना हिसाब किताब? हाँ बिटवा, शादी में उसने मुझसे जूता छुपाई में मोटी रकम एंटी थी। Oh no! लेकिन जूते तो सालियाँ छुपाती है ना। हाँ बिटवा, लेकिन मेरा साला साली से कम है के। शादी में मेरी सारी सालियाँ नाराज हो गई थी क्योंकि सारे पैसे वो लेके रफू चक्कर हो गया था। बहुत बड़ी चपत लगी थी मुझे, अब हिसाब पूरा भी तो करना है। जाना याद आया, मुझे डब्लू से मिलने में थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि मुझे अपनी बहन झरना से राखी बंधवाने जाना है। वाह क्या बात है। ठीक है जानू, तुम झरना से राखी बंधवा के जल्दी वापस आ जाना। ओके स्वीट हार्ट। बिडवा काश तेरी बहन होती जो तुझे राखी बांधती, लेकिन तेरी तो कोई बहन ही नहीं है। मगर भाई अपनी सात बहनों से राखी बंधवाने जा रहे हैं, ये बुढ़ाव तक राखी सेलिब्रेट करने जा रहा है, और डब्लू बाबा ग्रैनी से राखी बंधवाने यहाँ पे आ रहा है। लेकिन बिटवा तेरी ये कलाइया राखी के दिन सोनी रह जाएंगी। अरे क्या हुआ बिटवा, तू रो क्यों रहा है? ग्रैनी काश मेरी भी कोई बहन होती जो मुझे रक्षाबंधन पे राखी बांधती। अरे मेरा बच्चा ऐसे क्यों सोच रहा है, तेरी बहन है तो कौन? अरे स्लेंडरी ना। अरे वो तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। ना बिटवा ऐसा ना है, वो तुझे बहुत प्यार कर रहे है। जाओ उसे कॉल करके बोल दे कि रक्षाबंधन के दिन वो यहाँ आ जाए और डब्लू मामा से भी मिल ले, ठीक है ना बिटवा? कैसी हो सिलेंडरना दीदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे चुडवा? दीदी आपको पता है 11 अगस्त को क्या है? हाँ, मेरे नए बॉयफ्रेंड का बर्थडे है तो मैं भंगड़ के लिए जा रही हूँ। अरे नहीं, 11 अगस्त को रक्षाबंधन है तो आप आ रहे हो ना? ओह माय गॉड, याद आया, आऊंगी आऊंगी जरूर आऊंगी, अपने छुडवा को राखी बांधने जरूर आऊंगी। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। सुन चुडवा, बुढ़िया से पैसे ले लियो, मुझे बूची का परफ्यूम, वर्साचे के जूते और 10,000 कैश चाहिए। मुझे ज्यादा का लालच नहीं, मैं इतने में ही खुश हो जाऊंगी। अरे गिफ्ट की आप टेंशन मत लो सिलेंडर ना दीदी, आपका छुटुआ आपके लिए आपका मन पसंद गिफ्ट लेकर आएगा। चल फिर मैं पार्लर जाकर आती हूँ। चलो सिलेंडर ना दीदी, रक्षाबंधन के दिन मिलते हैं। ओके ठीक है बाय। इस सिलेंडर ना दीदी भी ना, इसको रक्षाबंधन की नहीं पड़ी, इसको सिर्फ गिफ्ट लेने की पड़ी है। हैप्पी रक्षाबंधन ग्रैनी। हैप्पी रक्षाबंधन। और ले ले कितना प्यारा लग रहा है मेरा बिटवा। थैंक यू। लास्ट गणेश क्लोरतरा ने इस बार भी मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरा ड्रेस रेडी नहीं किया, निकम्मा कहीं का।
ग्रैनी, डब्लू मामा का कोई कॉल आया, वो कब तक आएंगे? आ तो उसे कल रात को ही जाना चाहिए था, पता नहीं वो कहाँ रह गया और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। शायद वो बेचारे अभी तक फ्लाइट में होंगे इसलिए उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा होगा। हाँ बिटवा, ऐसा ही होगा। जब तक वो आ रहा है तब तक हम किचन में खाने की तैयारियाँ देख लेते हैं। ठीक है ग्रैनी, तैयारियाँ देख लेते हैं। हाँ चल। हाँ बार्बी ग्रैनी। बिटवा डब्लू आ गया क्या? नहीं बार्बी ग्रैनी, वैसे तो वो रक्षाबंधन के एक दिन पहले आने वाले थे लेकिन अभी तक नहीं आए। तो मैं इतनी जल्दी आके क्या करूँगी? जैसे वो आए मुझे कॉल कर देना। ठीक है, मैं आपको फोन कर दूंगा। अरे डब्लू मामा कब तक आएंगे? गाड़ी की आवाज आई। जा बेटो जाकर देख, जरूर डब्लू आया होगा। अब तो मुझे इंतजार नहीं हो रहा। डब्लू मामा मैं आ गया राखी बंधवा कर। बिटवा डब्लू आ गया क्या? जप्पी मारनी है साले साहब को। अरे डब्लू मामा अभी तक नहीं पहुँचे। अरे यार उसकी वजह से ही तो मैं जल्दी आ गया। ग्रैनी डब्लू मामा पता नहीं कब तक आएंगे। हेलो डब्लू, तू कहाँ पहुँचा? क्या ये तो क्या बोल रहा है? बोल दे ये सब झूठ है डब्लू। क्या डब्लू, तूने तो मेरा दिल तोड़ दिया। सिलेंडर दीदी कब तक आ रही हो? अच्छा ठीक है। जाना डब्लू कब तक पहुंचेगा? बाबू बिटवा डब्लू नहीं आ रहा है। जब वो एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था उससे पहले वो बाथरूम गया और वही लॉक हो गया। घर पे कोई नहीं था तो वही फंसा रह गया। इस चक्कर में उसकी फ्लाइट मिस हो गई। सिलेंडर अतिथि भी नहीं आ रही है तो मैं भी रक्षाबंधन नहीं सेलिब्रेट कर पाऊंगा। अब मैं राखी किसको बांधूंगी? बिटवा दिल छोटा मत कर, मैं हूँ ना, इस घर में रक्षाबंधन जरूर सेलिब्रेट होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई और तुझे भी किसी ने राखी नहीं बांधी, तो मैं हूँ ना, मैं तुझे राखी बांधूंगी। तुम मेरा रक्षक है और मैं तेरी रक्षक हूँ, है ना बिटवा? सच्ची ग्रैनी? चल अब रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। अपना सर आगे कर, अब अपना राइट हैंड आगे कर। ये दृश्य देखकर तो आंखों में आंसू आ गए। गॉड ब्लेस यू बिटवा, खूब तरक्की करो। ग्रैनी और बिटवा को किसी की नजर ना लगे। टच वुड। आप सभी को मेरे ग्रैनी ग्रैंडपा की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हाय गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप आपको ग्रैनी के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मिंच चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। भाइयों अपनी सिस्टर्स के लिए इस रक्षाबंधन अच्छा सा गिफ्ट लाना मत भूलिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मिंच।